आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। अखिल भारतीय गहोई बैस महासभा शपथ ग्रहण समारोह रॉयल गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री के कटिल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गहोई बैस महासभा शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं समस्त अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। अलग अलग जिले से व क्षेत्रों से आए हुए पदाधिकारियों का व महिला पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। झांसी से मंडल ब्यूरो इब्राहिम दास की रिपोर्ट। को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूं कि संस्था के विधान एवं नियमावली के प्रति निष्ठावान रहूंगी तथा संस्था द्वारा पारित प्रस्तावों नीतियों का मन वचन कर्म से यथाशक्ति पालन करूंगी। मैं बिना किसी राग द्वेष के व पक्षपात के हमेशा समाज हित के कार्यों में समर्पित रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिला शक्ति अपने दायित्व को पूरा कर रही है। सभी लोगों से अनुरोध है कि क्या तालियां बजा के बात करें, उनको नई ऊर्जा मिले, वो इस तरह से काम कर सके और चले बेटा नाम लागे समाज को नई दिशा। मित्र परम सम्मानी हमारे अरुण जी गुप्ता एडवोकेट, जिनका बड़ा योगदान है, कक्षा एक से हमारे क्लास में जब संचालन कर रहे थे, ऐसे हमारे मित्र हैं, मित्रों को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे मित्र का भी मैं यहाँ से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और एक ऐसे युवाओं को मैं छोड़ रहा हूँ जो मुझे अरुण गुप्ता जी बड़े श्रेणियों पर ये हमारे अन्य सहयोगी हैं। जहाँ भी कोई कहा जगड़ती हुई लगती है तत्काल समन्वय का प्रयास करते हैं, समन्वय की भूमिका निभाते हैं। राजा जी बैठी है जो हमारे भगवीत के लिए विख्यात है, हमारे जमाना सबसे पत्रकार चाहते हैं कि अपने पति पत्नी दोनों कहने का आशा ये है। और हमने जिनको प्रभा भाभी जी प्रभा की सराव में श्री कार्यक्रमी और जीवन पद्धति को काम करने का तरीका विलक्षण है। हमने इस पर क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया। हमारे मित्र बनोया जी बैठी, हमारी भाभी जी, इनका भी मार्गदर्शन उसके मिलता है। अभी हमें जानकारी मिली है कि गहोई गौरव के पदाधिकारी का और संस्था का सदस्य भाई मनमोहन गेड़ा जी भी सभागार में शायद उपस्थित हो गए। उनसे मनमोहन जी गेड़ा और गहोई गौरव की पूरी टीम जो यहाँ खड़ी है, बच्चों से अंदर आने का समय अरुण जी से निवेदन है। बप्पन जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, भैया कटैया जी, बप्पन जी और देखिए, ये मंच है समाज एकता का, समाज की एकजुटता का और समाज के संकनाथ का। आज अखिल भारतीय गहोई बैस महासभा ने अपना एक अधिवेशन किया है, अपना शपथ ग्रहण समारोह किया है। ये समारोह पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में मैसेज देता है कि गहोई समाज एक है और गहोई समाज को कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई बांध नहीं सकता है। गहोई समाज गा से गहोई, हाथ से होशियार और इसे ईमानदार। हम गहोई हैं, होशियार भी हैं, ईमानदार भी हैं और देश के लिए समर्पित भी हैं। मैं आपको बता दूं, गहोई समाज एक ऐसा क्षेत्र है बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा, देश आज़ादी में अगर किसी का योगदान रहा है तो वो गहोई समाज के लोगों का रहा है, ये इतिहास गवाह है। तो निश्चित ही हम गहोई समाज देश में अपनी भागीदारी रखता है और आज उसी का प्रदर्शन करते हुए हमारे महिला, युवा और वरिष्ठ लोगों ने आज शपथ ली है। मुझे लगता है कि गहोई समाज का आज का कार्यक्रम दूर तक जाएगा और एक नया संदेश लेते हुए, एक नए संदेश के साथ हमारे देश में एक नया काम करेगा, ये मेरा अपना सोच है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में? कोरोना काल के कारण अभी हम नीचे तक, स्थानीय पंचायत तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों को नहीं भेज पाए थे। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय केंद्रीय वरिष्ठ संघ, महिला मंडल और नवयुग मंडल का जो राष्ट्रीय स्तर के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और जो क्षेत्रीय सभा बुंदेलखंड के चार जिलों का भी जो संपन्न हुआ है,
उसमें हम लोग वहाँ से तो काम करेंगे ही, केंद्रीय इकाई को स्थानीय पंचायत के स्तर तक नीचे उतारेंगे और समाज का एक ऐसा संगठन खड़ा करेंगे जिससे आप लोगों को कभी आगे लगेगा कि गहोई समाज जितनी मजबूत समाज और गहोई समाज जितनी विस्तृत और मजबूत समाज और प्रभावशाली समाज, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई समाज है नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जो राजनीतिक स्थिति में, चूंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ, तो हम लोगों ने यह तय किया है कि अब राजनीतिक दलों के लोगों को हमें राजनीतिक महत्व देना ही पड़ेगा और हम लेके ही रहेंगे। सरकार में आपकी भागीदारी कैसे मिलेगी? ये कमजोर आदमी की तो भगवान भी सहायता नहीं करता, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम समाज को मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे और राजनीतिक दलों के नेताओं को हम मजबूर करेंगे कि हमारे संख्या बल के आधार पर, जो हमारे ऑल इंडिया के अंदर जो 22 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां हम लोग चुनाव, हमारी समाज के बिना कोई चुनाव ना जीत सकता है और मतलब ना कोई जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हम लोग हराने की क्षमता रखते हैं, हम उनके ऊपर निश्चित दबाव बनाएंगे कि हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। 107 साल पुरानी महासभा है और हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम इसके साथ साथ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे समाज को आगे बढ़ाते हुए, संगठन मजबूत करते हुए और पूरे देश में संगठन, इतना मजबूत संगठन हम खड़ा करेंगे और कमजोर आदमी की तो भगवान भी सहायता नहीं करता, मजबूती के साथ हम सारे काम करेंगे, ना कोई दबा सकेगा। हम लोग तो देने वाले लोग हैं, लेकिन कोई गुंडागर्दी करके हम लोग को दबाना चाहेगा या किसी तरीके के दबाव प्रभाव लेने का प्रयास करेगा तो हम उनके प्रभाव में नहीं आएंगे और समाज को भाव से उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, स्टार बुंदेलखंड की ओर से और इंडिया आज तक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।